शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्र सरकार की ओर से देश के कोयला खदानें नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को देश के सभी WCL कर्मचारियों ने विरोध किया। गुरुवार को शहर के WCL के मुख्य कार्यालय के सामने 5 मजदूर संघ के संगठनों ने एकत्रित होकर आंदोलन किया। संगठनों का कहना है कि सरकार का ये निर्णय गलत है। इस निर्णय से खदान लेने वाले का पूर्ण अधिकार होगा, जिसका WCL को काफी नुकसान हो सकता है। नहीं दोस्तों, ये हमारा जो पांचों सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो कोल इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, उसकी हमारी 14 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई पांचों यूनियन के शीर्ष लोगों की। ये पहल हमारे भारतीय मजदूर संघ के नेता जो पब्लिक सेक्टर के इंचार्ज हैं डॉक्टर बसंत कुमार राय ने किया, और हम पांचों ने बहुत दिनों के बाद, हम चार तो थे एक साथ, लेकिन हमारे साथ BMS नहीं रहती थी, लेकिन इस बार जो मुद्दा है हमारा कोयला उद्योग में कमर्शियल माइनिंग का, उस पर हम पांचों एक हुए और हम लोगों ने निर्णय किया कि 18 तारीख को जो कमर्शियल माइनिंग के लिए बिडिंग होने वाली है। कमर्शियल माइनिंग का मतलब आप समझ लीजिए कि कोयले का पहले भी ब्लॉक का ऑक्शन होता था। 2015 में एक कानून बना था, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2015, उसमें सरकार को पावर था कि वो कोयले का ब्लॉक ऑक्शन कर सकती है प्राइवेट कंपनीज को, लेकिन कैप्टिव के लिए। मतलब कैप्टिव का मतलब 3 ही उद्योग के लिए। आप मुझे बताओ कि आज हम लोग कोल इंडस्ट्री, जो हमारा कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ है, हालांकि उनकी संख्या बहुत घट गई है, 3 लाख से भी कम हो गए, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 602 मिलियन अभी कर चुके, और अगर सरकार चाहेगी तो इस साल हमारा 7-7.5 मिलियन टन होगा। हमारी दूसरी जो जॉइंट वेंचर कंपनी है सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड, जो पहले आंध्रा तेलंगाना का शेयर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो करीब 65 मिलियन टन करी। अब अगर हमारे लेबर कॉस्ट जो है, हमारा वर्कर को सुरक्षा है, इनको कॉलोनी है, लाइफ है, एजुकेशन है, इलाज है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ठेकेदारी लेबर को क्या मिलेगा? ये ठेकेदारी लेबर लगाएंगे प्राइवेट कंपनी और 10,000-8,000 देंगे और 12 घंटे काम कराएंगे, तो वो मार्केट में अगर कोयला अवेलेबल होगा तो कोल इंडिया का जिसका एवरेज मिनिमम लेबर कॉस्ट 40,000-35,000 रुपये है, कौन लेगा हमारा कोयला? तो आप भाषण मत दीजिए, लेकिन हमारा कोल इंडिया तो बंद हो जाएगा 6 महीने में, 2 साल में सिंगरेनी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों की अस्तित्व की लड़ाई है कोयला मजदूरों की। हम जो भी संख्या हमारी बची है पब्लिक सेक्टर में, हम चाहते हैं कि ये आप कमर्शियल माइनिंग वापस लीजिए। आप सरकार, आपने मुझे 91 से कोल इंडिया को बजटी सपोर्ट नहीं है,